हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरु जी ते। हाँ जी साथियों, जिवें कि तुहानू सारयां नू पता है कि आपां इस चैनल ते वार्ड अटेंडेंट दे एग्जाम दे लई होम बेस्ड केयर अते होस्पिटल बेस्ड केयर दी इंपोर्टेंट एमसीक्यू दी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। हाँ जी, अज दी इस वीडियो च आपां टॉप 50 क्वेश्चन करांगे होम बेस्ड केयर अते होस्पिटल बेस्ड केयर दे नाल रिलेटेड। तां तुसीं इस वीडियो नूं पूरा ते ध्यान नाल वेखना है। उम्मीद करदा तुहाडे एग्जाम विच इस वीडियो विचों ही क्वेश्चन तुहानूं वेखण नूं मिलणगे। हाँ जी, वीडियो नूं स्टार्ट करन तों पहलां जिहड़े भी साथी नए ने, जिहड़े भी साथी साडी वीडियो पहली बार वेख रहे ने, उह इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लैण ते नाल लगे बैल आइकन नूं भी प्रेस कर लैण, जिस दे नाल तुहानूं साडी हरेक नवीं वीडियो दी नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलेगी। हाँ जी, नाल एक गल होर, वीडियो नूं शुरू करन तों पहलां जिहड़े भी साथी लाइव होए ने वो एक बार वीडियो नूं जरूर शेयर कर दो जी, ते वीडियो नूं लाइक भी करियो जे जेकर तुहानूं ये वीडियो चंगी लगे। हाँ जी, शुरू करते हैं जी अज दी इस क्लास नूं। हाँ जी, शुरू करते हैं। अपना फस्ट क्वेश्चन दिता हुआ जी, बेहोशी दे चिन्ह हन। हाँ जी, हरेक क्वेश्चन दे लई तुहानूं 15 सैकेंड का टाइम दिता जाएगा। अपना फस्ट ऑप्शन दिता हुआ जी, चमड़ी ठंडी ते चिपचिपी हो जाती है। सैकेंड ऑप्शन दिता जी, चेहरे का रंग जिहड़ा पीला पै जांदा है। थर्ड ऑप्शन हैगा नवज होली हो जाती है, तो फोर्थ हैगा जी उपरोक्त सारे। हाँ जी, तुसीं दसना है बेहोशी ते चिन्ह किहड़े ने। जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुन रहे ने उपरोक्त सारे, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाता है। हाँ जी, बेहोशी ते चिन्ह किहड़े ने जी, इस विच की है, चमड़ी ठंडी ते चिपचिपी हो जाती है, चेहरे का रंग जिहड़ा पीला पै जांदा है, तो नवज जिहड़ी होली हो जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करैक्ट हैगा जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। अपना नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, किस यंत्र नाल फेफड़ियां दी शक्ति दी मिणती की जाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैगा जी, किस यंत्र नाल फेफड़ियां दी शक्ति दी मिणती की जाती है। तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा हैगा जी। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट हैगा स्पीडोमीटर, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी स्पायरोमीटर, थर्ड ऑप्शन हैगा जी पायरोमीटर, ते फोर्थ है मिलीमीटर। हाँ जी, जिन्ना साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुनिया जी स्पायरोमीटर, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, फेफड़ियां दी शक्ति दी मिणती आपां किहड़े यंत्र नाल करते हैं जी, स्पायरोमीटर नाल। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वल। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ, इन्हां विचों किहड़ा टीका मरिया होया टीका कहाउंदा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैगा जी, आपां दसना है कि किहड़ा टीका मरिया होया टीका अखवाउंदा। तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा हैगा जी। चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा चेचक का टीका, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी रेबिस का टीका, थर्ड ऑप्शन हैगा OPV, ते फोर्थ हैगा जी BCG। जिन्हां साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुनिया जी रेबिस का टीका, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, मरिया होया टीका रेबिस के टीके नूं कहा जांदा है। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वल। क्वेश्चन नंबर 87 दिता हुआ है, तुसीं 12 साल के लड़के की नवज कितों चैक करोगे। हाँ जी, तुहाडे कोल 15 सैकेंड ने जी। फस्ट ऑप्शन हैगा जी गर्दन के पासे, सैकेंड ऑप्शन हैगा गुट के अंदरले पासे, थर्ड ऑप्शन हैगा जी कूहनी अते मोढ़े के विचकार बांह के अंदरले पासे, ते फोर्थ हैगा उपरोक्त सारे। जी, आपां दसना है कि 12 साल के लड़के की नवज आपां किवें चेक कर लिया। जिन्हां साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट चुनिया जी गर्दन के पासे, तो उन्हां दा आंसर जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 दिता हुआ जी, वह कीड़े मकोड़े जो बीमारियां नूं मनुख विच संचारित कर सकते हैं उन्हां नूं मेडिकल भाषा विच की कहा जाता है। जी, आपां दसना है कि वह कीड़े मकोड़े जिहड़े मनुख नूं बीमारियां का शिकार कर देंदे ने उन्हां नूं मेडिकल भाषा विच की कहा जाता है। चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी पंडार, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी वैक्टर, थर्ड ऑप्शन हैगा कैरियर, ते फोर्थ हैगा जी इनकैपीटर्स। हाँ जी, तुसीं दसना है कि वह कीड़े मकोड़े जो बीमारियां नूं मनुख विच संचारित करते हैं उन्हां नूं मेडिकल भाषा विच की कहा जाता है। जिन्हां साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुनिया जी वैक्टर, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वल। क्वेश्चन नंबर 89 दिता है जी, हाइपरटेंशन शब्द किस लई वरत्या जाता है। तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा हैगा जी।
चार ऑप्शन ने। फर्स्ट है बुखार लई, सैकेंड ऑप्शन दिता जी दिल की दर विच वाधा, थर्ड ऑप्शन है ब्लड प्रेशर विच वाधा, ते फोर्थ है जी उपरोक्त सारे। जी आप दसना है कि जिहड़ा हाइपर टेंशन शब्द है जिहड़ा वह किस लिए वरत्या जाता है। जी जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं ब्लड प्रेशर विच वाधा, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 अपना दिता हुआ है वायरस फैल सकता है। जी आप दसना है कि वायरस किवें फैल सकता है। चार ऑप्शन ने। फर्स्ट है जी छूण नाल, सैकेंड ऑप्शन दिता जी खंघन नाल, थर्ड ऑप्शन है दूषित भोजन या पानी नाल, ते फोर्थ है जी उपरोक्त सारे। जी तुसी दसना है कि वायरस किवें फैल सकता है। जी जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं उपरोक्त सारे, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी वायरस जिहड़ा छूण दे नाल भी फैल सकता है, खंघण दे नाल भी। खंघण का मतलब है जिहड़े कि किसी कोई व्यक्ति है जिसनों वायरस है तो वह खंघ रहा है तो तुसी उसके कोल खड़े हो तो खंघण नाल भी तुहाडा जिहड़ा वायरस तुहानू फैल सकता है, छूण नाल भी फैल सकता है, तो दूषित भोजन या पानी नाल भी फैल सकता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अपना करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दिता हुआ जी इलाज विधि कारण ही होए इनफेक्शन नूं की किया जाता है। जी ये क्वेश्चन तुसी स्टार ला लो इहदे ते, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा जी। कहिंदा जी इलाज करन इलाज विधि कारण ही, जिवें कि किसी दी ट्रीटमेंट कर रहे ने तो उसके ट्रीटमेंट करन दे दौरान ही जे किसी इंस्ट्रूमेंट दे नाल इनफेक्शन हो जाता है तो उसनूं की किया जाता है। चार ऑप्शन ने। फर्स्ट है जी इंटेरोजेनिक इनफेक्शन, सैकेंड ऑप्शन है नोसोकोमियल, थर्ड ऑप्शन है जी कॉनकोरेंट इनफेक्शन, तो फोर्थ है जी नन ऑफ दीज। हाँ जी थोड़े को 15 सैकेंड का समा है जी। जिन्हां साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चुनिया जी इंटेरोजेनिक इनफेक्शन, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा जी। सैकेंड ऑप्शन जिहड़ा दिता हुआ जी नोसोकोमियल इनफेक्शन, यह हुंदा जी जिवें कि होस्पिटल विच किसी मरीज़ नूं तुसी मिलन जांदे हो ते तुसी उत्थे जाके बैंदे हो तां उस मरीज़ तो तुहानूं जिहड़ा इनफेक्शन हो जांदा है उसनूं कहिंदे ने जी नोसोकोमियल इनफेक्शन। हाँ जी जिन्हां साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चुनिया सी उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 अपना दिता हुआ जी अख नूं किस पोजिशन राही साफ करना चाहिए है। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है जी। चार ऑप्शन ने तुहाडे कोल। फस्ट है जी बाहरी किनारे तो अंदरूनी किनारे वल, सैकेंड ऑप्शन है जी अंदरूनी किनारे तो बाहरी किनारे वल, थर्ड ऑप्शन है जी विचकार तो बाहर वल, तो फोर्थ दिता जी विचकार तो अंदर वल। जी आपां दसना सी कि अख नूं किस पोजिशन राही साफ करना चाहिए है। जी जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं अंदरूनी किनारे तो बाहरी किनारे वल, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी फ्रेंड जेकर तुहानू ये वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक कर दो जी, तो अपने साथियों के नाल शेयर भी कर दिया जी वीडियो नू कंप्लीट वेख के। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है क्वेश्चन नंबर 93 ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी की सिफारिश की जाती है, यानी कि ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी किस दे लई कीती जांदी है। चार ऑप्शन दिते ने। फर्स्ट है जी टाइफाइड, सैकेंड ऑप्शन है टेटनस, थर्ड ऑप्शन है हेचा, तो फोर्थ है जी बुखार। तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा है जी। हाँ जी जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुन रहे ने हेचा, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी की सिफारिश किस लिए की जाती है जी हेजे लिए। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी हाइजीन जिन्हों साफ सफाई कहते हैं किस भाषा का शब्द है। हाँ जी हाइजीन जिहड़ा वर्ड है ये किस भाषा तो लिया गया। चार ऑप्शन ने। फस्ट है जी लतीनी, सैकेंड ऑप्शन है जी भारतीय, थर्ड ऑप्शन है फ्रेंच, तो फोर्थ है जी ग्रीक। तुहाडे कोल 15 सैकेंड ने जी। हाँ जी जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं जी ग्रीक भाषा, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी हाइजीन जिहड़ा वर्ड है वह ग्रीन भाषा का शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 दिता हुआ जी, एक टीबी तो पीड़ित मरीज़ नूं मेडिकल यूनिट विच दाखिल किया गया है, उसनों केड़ा रूम दिता जाएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैगा जी कि एक पीड़ित टीबी तो पीड़ित मरीज़ हैगा जिन्हों मेडिकल यूनिट विच दाखिल किया गया तो उसनों केड़ा रूम दिता जाएगा। चार ऑप्शन ने जी, फस्ट हैगा जी प्राइवेट रूम, सैकेंड ऑप्शन हैगा अर्ध प्राइवेट रूम, थर्ड ऑप्शन हैगा जी रूम जिस दियाँ खिड़कियाँ खुलदियाँ होन, ते फोर्थ हैगा जी नैगेटिव एयर फ्लो वाला रूम। तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा हैगा जी। हाँ जी, जेड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं जी, नैगेटिव एयर फ्लो वाला रूम, उन्होंने आंसर करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, इतने नैगेटिव एयर फ्लो का मतलब हैगा जी वो एक अजिहा रूम होगा जिस दे रूम के अंदर वाला टेंपरेचर अलग होगा तो बाहर जो टेंपरेचर है वह अलग होगा, यानी कि टेंपरेचर से डिफरेंस होगा कि अंदर वाली हवा जी बाहर एंटर नहीं करेगी तो बाहर वाली हवा जी अंदर एंटर नहीं करेगी। कहने का मतलब हैगा जी किसी तरह भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा नहीं होगा टीबी वाले मरीज़ तो, इसलिए आप नैगेटिव एयर फ्लो वाला रूम यूज़ करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 96 दिता हुआ है जी, PPE किट पाउण दा सही तरीका दसो। जी ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैगा जी, किट पाउण दा आपां सही तरीका दसना है। फस्ट एक जिहड़ा दिता हुआ है, पहला ग्लाउस पाने हैं जी, सैकेंड हैगा जी फिर मास्क, थर्ड हैगा जी फिर गाउन, ते फोर्थ हैगा जी फेस शील्ड ते गोगल्स। सैकेंड ऑप्शन हैगा जी पहला आपां गाउन पाना है, फिर मास्क, ते थर्ड हैगा जी गोगल्स ते फेस शील्ड, ते फोर्थ ऑप्शन हैगा जी सॉरी थर्ड ऑप्शन हैगा मास्क पहला लाना है, उस तो बाद फेस शील्ड ते गोगल्स, ते तीजे नंबर ते गाउन, ते फोर्थ नंबर ते आपां गोगल्स, ते फोर्थ ऑप्शन हैगा फस्ट आपां फेस शील्ड लानी है ते गोगल्स, उस तो बाद ग्लाउस, फिर मास्क, ते फिर गाउन। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जिहड़ा करैक्ट आंसर हो जाता है वो हैगा जी ऑप्शन नंबर सैकेंड, कि सब तो पहला आपां किट पाउण वेले सब तो पहला गाउन पाना है, उस तो बाद मास्क लाना है, फिर आपां गोगल्स ते फेस शील्ड लाउणी है, ते उस तो बाद ग्लाउस पाने हैं। हाँ जी, ये इसका सही तरीका होगा ऑप्शन नंबर बी, जिन्हां साथियों ने चुने है उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाता है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 दिता है जी, सिंगल यूज आइटम तो की भाव। जी आपां दसना है सिंगल यूज आइटम तो की पावेगा। चार ऑप्शन दिते हुए हैं, फस्ट हैगा जी एक दिन ही वरती जाने वाली आइटम, सैकेंड ऑप्शन हैगा डिस्पोज करन तो पहला इको ही वारी वरती जाने वाली आइटम, सैकेंड थर्ड ऑप्शन हैगा जी डिश इनफेक्शन तो पहला एक बार ही वरती जाने वाली आइटम, तो फोर्थ हैगा एक ही मरीज द्वारा वार वार वरती जाने वाली आइटम। जी तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा है, तुसीं दसना है सिंगल यूज आइटम की हुंदी है जी। हाँ जी, जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुन रहे ने, डिस्पोज करन तो पहला एक ही वारी वरती जाने वाली आइटम, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा जी, उन्हूं कहिंदे ने जी सिंगल यूज आइटम। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 अपना दिता हुआ जी, कुत्ते बिल्ली जां किसी होर जानवर के कट्टन नाल कीड़ी वायरल बीमारी फैलती है। तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी रेबीज़, सैकेंड ऑप्शन हैगा निमोनिया, थर्ड ऑप्शन हैगा एड्स, ते फोर्थ हैगा जी हेजा। तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा हैगा जी, तुसीं दसना है कि कुत्ते बिल्ली जां किसी होर जानवर के कट्टन नाल कीड़ी वायरल बीमारी फैलती है। हाँ जी, जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चुन रहे ने रेबीज़, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 दिता है जी, ग्लूकोज़ का फॉर्मूला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा जी, ग्लूकोज़ का फॉर्मूला दसो। चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी C6H6O6, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी C12H6O6, थर्ड ऑप्शन हैगा जी C6H12O6, ते फोर्थ हैगा जी C12H12O6।
जी आपां ग्लूकोज का फॉर्मूला दसना है तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा हैगा जी। जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं जी C6H12O6 उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता है जी वैक्सीन किसते बने होंगे हैं। यह क्वेश्चन भी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी कि वैक्सीन जिहड़े होंगे ने वह किस तो बने होंगे ने। फस्ट ऑप्शन हैगा जी कैमिकल तो, सैकेंड ऑप्शन हैगा ड्रग्स तो, थर्ड ऑप्शन हैगा जी वायरस तो, फोर्थ हैगा जी कमजोर सूखम जीव तो। हाँ जी तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा हैगा जी। हाँ जी जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुन रहे ने कमजोर सूखम जीवों तो उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी वैक्सीन जिहड़े बने होंगे ने वह कमजोर सूखम जीवों तो बने होंगे ने। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी सब नूं आंदा होगा यूनीवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होंदा है। जी यूनीवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कैड़ा होंदा है। चार ऑप्शन दिते हुए ने। फस्ट हैगा जी ओ पॉजिटिव, सैकेंड ऑप्शन हैगा ओ नैगेटिव, थर्ड ऑप्शन हैगा जी ए बी पॉजिटिव, तो फोर्थ हैगा जी ए बी नैगेटिव। तुहाडे कोल 15 सैकेंड ने जी इस क्वेश्चन का आंसर दसन लई। हाँ जी जिन्ना भी साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुनिया जी ओ नैगेटिव उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी यूनीवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होंदा है जी ओ नैगेटिव। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 दिता हुआ जी नर्वस सिस्टम की सब तो छोटी इकाई केड़ी है। चार ऑप्शन ने। फस्ट हैगा जी न्यूरोन, सैकेंड ऑप्शन है नैफरोन, थर्ड ऑप्शन दिता जी न्यूटन, तो फोर्थ है उपरोक्त विचों कोई नहीं। तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा है जी तुसी दसना है कि नर्वस सिस्टम की सब तो छोटी इकाई केड़ी है। हाँ जी जिन्ना भी साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चुनिया जी न्यूरोन उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाता है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 अपना दिता हुआ है एक तंदुरुस्त व्यक्ति साल विच किन्नी वार खूनदान कर सकता है। चार ऑप्शन ने। फस्ट है जी 6 तो 7 वार, सैकेंड ऑप्शन दिता है 5 तो 6 वार, थर्ड ऑप्शन है जी 3 तो 4 वार, तो फोर्थ है जी 2 तो 3 वार। हाँ जी थोड़े को 15 सैकेंड का समय है जी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तुसी दसना है कि एक तंदुरुस्त व्यक्ति साल विच किन्नी वार ब्लड डोनेट कर सकता है। हाँ जी जिन्ना भी साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुनिया जी 3 तो 4 बार उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाता जी। हाँ जी एक तंदुरुस्त व्यक्ति साल विच 3 तो 4 बार ब्लड डोनेट जिहड़ा कर सकता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 दिता हुआ जी सॉरी क्वेश्चन नंबर 104 अपना दिता हुआ है एक गर्भवती महिला लई प्रतिदिन प्रोटीन की किन्नी जरूरत होंदी है। चार ऑप्शन ने तुहाडे कोल। फस्ट हैगा जी 50 ग्राम, सैकेंड ऑप्शन हैगा 60 ग्राम, थर्ड ऑप्शन दिता है जी 55 ग्राम, तो फोर्थ हैगा जी 65 ग्राम। जी तुसी दसना है कि एक गर्भवती महिला लई प्रतिदिन प्रोटीन की किन्नी मात्रा जिहड़ी लोड़ींदी है। तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा हैगा जी। हाँ जी जेकर तुसी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुनते हो 55 ग्राम तो तुहाडा आंसर जिहड़ा करैक्ट हो जाता जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 दिता है जी बच्चों के दंद फुटना किन्नी उम्र तो शुरू होंदे ने। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैगा जी कि छोटे बच्चों के दंद फुटना किन्नी उम्र तो शुरू होंदे ने। फस्ट हैगा जी 4 मंथ, सैकेंड ऑप्शन हैगा 6 मंथ, थर्ड ऑप्शन हैगा 10th मंथ, तो फोर्थ हैगा जी 8 मंथ। तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा हैगा जी।
हाँ जी, जेड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, 6 मंथ उन्हों का आंसर करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, बच्चों के दंद फुटन की जी उम्र होंगी है वह 6 महीने उन्होंने दंद जोड़े फुटने शुरू हो जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 106 अपना दिता हुआ है, तंबाकू में जहरीला पदार्थ किहड़ा हुंदा है? 4 ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी अलकोहल, सैकेंड ऑप्शन हैगा निकोटीन, थर्ड ऑप्शन हैगा जी कैफीन, तो फोर्थ हैगा उपरोक्त सारे। हाँ जी, तुसी दसना है कि तंबाकू में जहरीला पदार्थ या चीज़ किहड़ी हुंदी है। हाँ जी, जेड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, निकोटीन उन्होंने आंसर जिहड़ा करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 107 अपना दिता हुआ है, मनुख की चमड़ी दियां परतां होंदियां ने? जी, आपां दसना है कि मनुख दियां चमड़ी दियां किन्नियां परतां होंदियां? 4 ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी 1, सैकेंड ऑप्शन दिता है 2, थर्ड ऑप्शन हैगा जी 3, तो फोर्थ हैगा जी 4। तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा हैगा जी, तुसीं दसना है मनुख की चमड़ी दियां किन्नियां परतां होंदियां। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जेड़े भी साथी ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, 3 उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, मनुख दियां चमड़ी दियां 3 परतां होंदियां ने। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, हवा विच मुख गैस कैड़ी होंदी है? हाँ जी, तुसीं दसना है कि हवा विच केड़ी गैस की मात्रा जिहड़ी सब तो ज़्यादा होंदी है, केड़ी गैस मुख होंदी है? तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा हैगा जी। 4 ऑप्शन ने अपने कोल, फस्ट हैगा आर्गन, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन हैगा जी नाइट्रोजन, तो फोर्थ हैगा जी ऑक्सीजन। हाँ जी, जेड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, उन्हों का आंसर करैक्ट हो जाता जी। हवा में मुख्य गैस जी कि होंगी है जी, वह होंगी जी नाइट्रोजन। तो तुसी कमेंट में दसना है कि नाइट्रोजन की किन्नी मात्रा हवा में होंगी है? सब तो मुख्य होंगी है, पर इसकी किन्ने परसेंट मात्रा हवा में होंगी है, वो तुसी कमेंट बॉक्स दसना है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट अपने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ने, जदों कोई डॉक्टर किसी पेशेंट नूं पर्ची ते दवाई लिख के दिंदा है तां वह लिखण समय कुछ शॉर्टकट वर्ड्स की वरतों करता है जिहड़े कि हरेक नूं समझ नहीं आते। हाँ जी, यह तो सब नूं पता ही होगा कि डॉक्टर की लिखाई इदां दी करके हुंदी है कि जिहड़ी आपां नूं पता नहीं चलती कि डॉक्टर ने लिखिया की है, तां वह की करता है जी, उस समय वह शॉर्टकट वर्ड की वरतों करता है जिन्हां जिहड़े सिर्फ डॉक्टर लाइन वाले बंदियां नूं ही पता हुंदा, आपां नूं नहीं पता हुंदा। तो वह शॉर्टकट वर्ड किहड़े हुंदे ने ते उहनां दा मतलब की हुंदा है, वह आपां डिस्कस करते हैं जी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है तुहाडे एग्जाम के लिए। तो सब तो पहला दिता है जी ओडी, तो ओडी का मतलब हुंदा जी वंस इन ए डे, यानी कि तुहानू कोई दवाई लिख के दिती है, कोई टेबलेट लिख के दिती है, तो डॉक्टर जेकर उस विच ओडी लिखता है उसके सामने, तो उसका मतलब हुंदा जी कि तुसी दिन विच एक बार ही वह दवाई लेनी है। नैक्सट अपना दिता हुआ है बी आई डी जां बी डी, इसका मतलब हुंदा जी दिन विच तुसी 2 टाइम्स जिहड़ी वह दवाई लेनी है। नैक्सट हैगा जी TID, इसका मतलब हुंदा है 3 times a day, यानी कि वह दवाई जिहड़ी तुसी दिन विच 3 बारी लेनी है, 3 समय लेनी है। नैक्सट हैगा जी QID, इसका मतलब हुंदा जी 4 times in a day, यानी दिन विच 4 बारी तुसी वह दवाई लेनी है। नैक्सट अपना दिता जी AC का मतलब हुंदा जी बिफोर मील, यानी कि खाना खाण तो तुसी वह दवाई पहला लेनी हुंदी है। नैक्सट गए PC का मतलब हुंदा आफ्टर मील, जेकर डॉक्टर तुहाडी दवाई के सामने PC लिख दिंदा है तो उसका मतलब हुंदा जी तुसी वह जिहड़ी खाना खाण तो बाद वह दवाई लेनी है। नैक्सट करते हैं जी। नैक्सट हैगा जी AD, AD का मतलब हुंदा जी अल्टरनेट डे, यानी कि तुसी वह दवाई एक एक दिन छड़ के लेनी है। नैक्सट अपना दिता है HS का मतलब हुंदा जी बिफोर बैड टाइम, यानी कि सौण तो पहला आपां वह दवाई लेनी हुंदी है जेकर डॉक्टर दवाई के सामने HS लिखता है। नैक्सट हैगा जी वह दवाई जिहड़ी लिक्विड तरल अवस्था में होवे, यानी कि जेकर आपां कोई पीण वाली दवाई लेनी होवे तां
उस दे अगे डॉक्टर किस तरह लिखता है जी। फस्ट दिता है जी अपना TSF, इसका मतलब होंगे जी एक टेस्पून फुल जिहड़ा कि 5 ml का होंगे। जेकर डॉक्टर लिख देता है जी DSF, इसका मतलब होंगे जी एक डिजर्ट स्पून फुल जिहड़ा कि इस तो थोड़ा वड्डा चम्मच होंगे 10 ml का। जेकर डॉक्टर लिख देता है TP.SF, इसका मतलब होंगे जी एक टेबल स्पून फुल जिहड़ा कि 15 ml का होंगे। इस तो बाद इंपोर्टेंट हैगा जी SOS, इसका मतलब होंगे जी कि जेकर कोई दवाई तुहानू अमरजेंसी वेले लेनी होवे तां उस दे अगे डॉक्टर लिख देता जी SOS, जिवें कि कोई दवाई तुहानू लिख के दित्ती है तो जिवें कि तुसीं कहिंदे हो कि मैनू कई बार चक्कर आ जाते तां करके डॉक्टर कहिंदा कि जेकर ये तुहानू इस दी अमरजेंसी विच लेनी है, जेकर तुहानू इस तां कोई केस लगे कि आ रहे ने चक्कर तां तुसीं आ मेडिसिन लेनी है। वैसे एग्जाम्पल नाल दस रहा, कहिंदा मतलब कि जिहड़ी अमरजेंसी विच लेनी होवे उस दे अगे डॉक्टर लिख देता जी SOS। हाँ जी, इस तो अलावा कुछ होर महत्वपूर्ण ने जिमें कि टैब तो की हुंदा जी टैबलेट, कैप तो हुंदा जी कैप्सूल, INJ तो हुंदा जी इंजैक्शन, तो SYR यानी कि इस तो हुंदा जी सिरप। हाँ जी फ्रेंड, आज दी इस वीडियो नूं इत्थे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता तुहानूं ये वीडियो चंगी लगी होवेगी, हैल्पफुल लगी होवेगी। जेकर तुहानूं ये वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल वीडियो नूं शेयर करो। जी फ्रेंड, जेकर तुसी साडे चैनल ते नवे हो, पहली बार साडी वीडियो वेख रहे हो तो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो, तो नाल लगे बैल आइकन नूं भी जरूर प्रेस करना, जिस दे नाल तुहानूं साडी हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन जिहड़ी टाइम नाल मिलती रहेगी। हाँ जी, मिलते हैं जी नैक्सट वीडियो से, उदों तक दे लई टेक केयर।